टेस्ट ऑफ द गोली, टेस्ट ऑफ द गोली। ऐसा क्वालिटी है ये मार्केट में जाने के लिए तैयार हो रहा है अभी। देखिए यहाँ पर कितना स्टॉक पड़ा है ये सारा। सर हमने जो आपको बताया था कि ये मशीन आपको एक मिनट में अप्रोक्स 4 बोतल निकाल के, अरे सॉरी 8 बोतल निकाल के देगी, देती है सर मशीन? नहीं उससे ज्यादा देती है, 24 बोतल निकाल के देती है। अच्छा, एक मिनट में 24 बोतल तक निकाल लेते हो? और ये गड्ढा पे और आजू बाजू के सब गाँव पे, 6-4 गाँव में हम सेलिंग कर रहे हैं। तो सर ये आप जितना प्रोडक्ट अभी दिन भर में बनाते हो ये सारा सेल हो जाता है मार्केट में? जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं कोई दिक्कत नहीं। वैसे सर ये मशीन को ऑपरेट करना आसान या मुश्किल है? सर बहुत ही आसान है। छोटा आदमी इसको लेकर के अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहे कर सकता है? जरूर करना चाहिए उसको। उसमें हमारी कंपनी को आप सर्विस में 1 से 10 में कितने स्टार दोगे? 10 से 10 पूरे। क्या बात है, तो मैंने सिखाया होगा आपको? नहीं नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अल्तमाश और मैं रियल ब्रेड सोडा मशीन कंपनी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से एक कस्टमर का रिव्यू लेकर के आपके सामने आया हूँ मैं, बहुत ही छोटे गांव में। जी हाँ दोस्तों, ये आया हूँ मैं गढ़ा में और ये बहुत ही प्यारा सेटअप लगा है सर ने हमारे यहाँ पर। हमसे गोली छोड़ा मशीन लिया इन्होंने और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। मैं आपको लाइव बताऊंगा, इनकी फैक्ट्री अभी ऑन है, तकरीबन अभी रात के बज रहे 10:30। जी हाँ दोस्तों, 10:30 रात के बज रहे और बहुत अच्छा यहाँ पर काम चालू है, इनके यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट है। हम सर के पास, सर जो हमारे पास रूबरू आए थे मशीन लेने के लिए, हम सर से डायरेक्ट बात करेंगे, लाइव बात करेंगे कि इनके यहाँ पर प्रोडक्शन चालू है जो वो, तो ये यहाँ पर हम इनके पास लाइव आए हैं और इनका प्रोडक्शन अभी चालू है। ये भी गोली सोडा मशीन सर ने लगाया और यहाँ पर ये भी नींबू सोडा बना रहे और बहुत ही अच्छा नींबू सोडा बना रहे। ये हमारे सर है। हेलो सर, कैसे हो? बहुत बड़े में सर, क्या नाम है आपका? अक्षय जबलिया। अक्षय सर जी, सर अभी हम कहाँ पर है? गढ़ा स्वामी का। गढ़ा स्वामी का गढ़ा स्वामी का, ये कहाँ पर आया? बोटाद के पास है? हाँ बोटाद के पास, उसका तालुका है बोटाद का। अच्छा बोटाद इसका तालुका है? अच्छा बोटाद का ये तालुका है। अच्छा ये कितने मकान का गांव होगा? ये कितने लोग होंगे, आबादी कितनी होगी यहाँ पर? 30 से 40 हज़ार। 30 से 40 हज़ार आबादी का ये गांव है छोटा सा। क्या बात है, बहुत अच्छा सर, इसमें बहुत अच्छा सेटअप आपने लगाया। ये सर आपने मशीन ली हमारे पास से कितना वक्त हुआ? 1 से 2 मंथ। अच्छा 2 महीने हो गए तकरीबन? हाँ 2 महीने हो गए, बिल्कुल सही है, 2 महीने हो गए। सर कैसी चल रही है मशीन? बहुत ही अच्छी अच्छी चल रही है। आपको हमारा एड्रेस कहाँ से मिला था? बोटाद वाले पास से। अच्छा जो आपके मामा है? हाँ है ना, इनके मामा है जो अभी मैं जिनका रिव्यू लेकर के आया, जहाँ पर हमारी बात भी हुई कि सर ने यहाँ पर भी एक मशीन लगाए, तो ये इनके भांजे साहब है और इन्होंने मशीन यहाँ से हमसे खरीदी थी कंपनी में से। सर कैसी चल रही है मशीन? बहुत ही अच्छी चल रही है। कोई दिक्कत सर? नहीं कोई भी नहीं। अच्छा कभी कोई छोटा मोटा फॉल्ट आता है तो कंपनी से रिस्पॉन्स कैसा मिलता है? बहुत ही अच्छा मिलता है रिस्पॉन्स। कंप्लेन आती है और फोन करते हो तो रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाता है? तुरंत ही मिल जाता है। अच्छा क्या बात है। सर हमने जो आपको बताया था कि ये मशीन आपको एक मिनट में अप्रोक्स 4 बोतल निकाल के, अरे सॉरी 8 बोतल निकाल के देगी, देती है सर मशीन? नहीं उससे ज्यादा देती है, 24 बोतल निकाल के देती है। अच्छा एक मिनट में? 1 मिनट में 24 बोतल तक निकाल लेते हो? ये हमारा भाई काटता है 24 बोतल। अच्छा क्या बात है। तो कितनी देर तक मशीन चालू रखते हो, कितने घंटे मशीन चालू रखते हो? 10 से 12 घंटे तक। 10 से 12 घंटे मशीन चालू, कितना दिन भर में प्रोडक्शन कर लेते हो? 100 से 200 कैरेट का हो जाता है, लगभग 200 कैरेट तक का प्रोडक्शन कर लेते हो। इसको कहाँ कहाँ पर सेल करते हो सर? ये गढ़ा पे और आजू बाजू के सब गांव पे, 76 गांव में हम सेलिंग कर रहे हैं। अच्छा 76 गांव में, 76 छोटे मोटे विलेज के अंदर सर ये प्रोडक्शन को, आपका जो प्रोडक्ट है उसको सेल करते हो? और अमरेली में और उसके आजू बाजू गाँव में भी हम जाते हैं। अच्छा अमरेली तो अच्छा बड़ा, मतलब तकरीबन शहर में आ गया ना आप, तो वहाँ पे हमारी छोड़ा जाती है। अच्छा जिला हो गया उसमें भी आपका प्रोडक्ट जा रहा है? क्या बात है, चल रहे, लोग रिस्पांस दे रहे हैं आपको, रिपीट ऑर्डर बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। क्या बात है। आप कौन सा फ्लेवर इसमें बनाते हो सर? अभी तो नींबू चल रहा है, उसके अलावा हम 10 से 12 और फ्लेवर बनाते हैं। आपके पास कोई उसका बोतल होगा भरा हुआ? मुझे जी, तो कौन सा फ्लेवर बनाते हो सर? पाइन एपल, जीरा, हाँ ये हो गया ब्लूबेरी का। अच्छा ये विमटो? हाँ ये यहाँ पर काठियावाड़ की फेमस आइटम है विमटो, ये आपको मतलब मुश्किल है कहीं मिल जाइए, क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत टेस्टफुल होती है ये। इसे एक लैंग्वेज में काला खट्टा भी कहा जाता है। सही बोला सर, सही बोला। हाँ ये काला खट्टा भी कहा जाता है इसे एक जगह पर, और इसको यहाँ पर विमटो के नाम से चलती है। ये बहुत ही टेस्टी होती है फ्लेवर, मुझे पर्सनली भी पसंद है। इसके अंदर हम लोग पीनट्स डाल के पीते हैं, सिंग है ना, इसके अंदर सिंग डाल के लोग पीते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट होता है। सर ये कितने में आप कैरेट सेल करते हो? ये 200 से 220 तक। 200 से 220 रुपए तक आप सेल करते हो। उसका MRP कितना होता है एक बोतल का? 10 रुपया, 10 से 15। 10 से 15 अलग अलग है, नहीं मतलब ज्यादा दूर गया तो 15 रुपीज में बेचेंगे, छोटा मोटा विलेज है और सर्विस वहाँ पर देनी है आपको, तो आप वहाँ पर उसको थोड़ा रेट ज्यादा 15 रुपए रखते हो वहाँ पर। हाँ जी। बाकी ये भी फ्लेवर भी आपके सारे चलते हैं? सब फ्लेवर चलते हैं। क्या बात है। ये पाइन एपल फ्लेवर सर ने बनाया, ये पाइन एपल है। और कौन सा फ्लेवर है दीजिए ना मुझे आप? ये देखिए यहाँ पर ये रख दिए मैंने फ्लेवर सारे,
ये पाइनएप्पल फ्लेवर भी हो गया, ब्लूबेरी हो गया और वेनिला फ्लेवर भी आप बना, तो शायद यहाँ पर आपके यहाँ पर वेनिला बहुत फेमस है ना यहाँ पर। ये यहाँ पर जो अतराफ के गाँव है जो जितने भी, यहाँ पर वेनिला फ्लेवर बहुत अच्छा चलता है इनका, और इनकी मास्टरी भी है क्योंकि ये तकरीबन इनके मामा के साथ कनेक्ट है और उन्हीं के साथ फ्लेवर वगैरह का डिस्कशन करके बनाते हो आप सारा फ्लेवर। हाँ। है ना? हाँ, ये कौन सा फ्लेवर? ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग फ्लेवर, क्या बात है, बहुत अच्छे स्ट्रिंग बना दिया इसको हमने इस बोतल के अंदर गोली में। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है ये फ्लेवर, मैं आपको इसको खोल के बताने की कोशिश करूँगा, है ना, ये बहुत स्ट्रांग फ्लेवर इसके अंदर बनता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर है सर का। टेस्ट भी बहुत अच्छा मेंटेन किया है क्योंकि इनका बहुत पुराना काम था इनके मामा का, तो बहुत अच्छा फ्लेवर ये मेंटेन करते हैं। ये कौन सा फ्लेवर है? वेनिला फ्लेवर। हाँ, ये वेनिला फ्लेवर है, अभी मैं जो देख करके आया हूँ वहाँ बोतल। ये तो सर, ये आप जितना प्रोडक्ट अभी दिन भर में बनाते हो ये सारा सेल हो जाता है मार्केट में? जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये प्रोडक्शन अभी कर रहे हैं यहाँ पर, जीरा का प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, मुझे एक आध बोतल इसमें से भी। हाँ, ये ठंडा है अभी। अच्छा सर, ये आप रात को कितने बजे तक काम चालू करते हो? एक से दो बजे तक। अच्छा, एक से दो बजे तक करते हो, तो आप दोस्त दोस्ती आपके भाई और यही कर लेते? हाँ, सभी। कितने लोग, कितने लोग काम करने वाले हैं आप? पाँच से छः लोग। पाँच से छः लोग काम करते हैं। अच्छा, इसको आप सेल करने जा रहे हो, आप या किसी को डिलीवरी देने जा रहे हो, किस कौन सी व्हीकल में जा रहे हो, कौन सा व्हीकल है आपके पास इसके लिए, गाड़ी कौन सा? ऑटो रिक्शा है, कैरी है। अच्छा, ये दोनों गाड़ियों में आप सेलिंग करते हैं? अच्छा, CO2 सिलेंडर वगैरह कहाँ से आता है आपका? गांव से ही मिल रहे थे यहाँ। अच्छा, यहीं से मिल जाता है आपको, आसानी से मिल जाता है। अच्छा, आरओ प्लांट आपने कितने लीटर का लगाया है? 1000 लीटर का। अच्छा, 1000 लीटर पर ओवर, 1000 लीटर आरओ प्लांट आपने लगाया है, और साथ साथ में सर ने बहुत बड़ा चीलर लगाया है, क्यों बताएं? एडवांस करने के लिए, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता मशीन यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। अब हमारी बात चालू भी इनके साथ और मशीन आएगा भी इनका, मुझे सबसे पहले उन्होंने यही ये कहा मैं आया तो, कि एक मशीन और आएगी, है ना? जी हाँ। देखिए यहाँ पर ये इनका स्टॉक है, ये मार्केट में जाने के लिए तैयार हो रहा है अभी। देखिए यहाँ पर कितना स्टॉक पड़ा है ये सारा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोडा होता है और यहाँ पर बहुत चलता है, ये नमकीन सोडा होता है, इसके अंदर सॉल्ट है, लेमन है, ब्लैक पेपर है, फिर ब्लैक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है, इतनी सारी इंग्रीडियंट्स होते हैं इसके अंदर। इनकी इन लोगों की मास्टरी यहाँ पर, और बहुत अच्छी मतलब मेहनत भी बहुत कर रही है, साथ में इनकी मेहनत भी बहुत है, तभी इतनी अच्छी कामयाबी। देखो, मशीन लेना बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मशीन में से प्रोडक्ट भी निकल रही है, ये भी बड़ी बात है, चलो ठीक है, मशीन में से प्रोडक्ट अच्छा निकल रहा है, मगर साथ साथ में इनकी मेहनत भी है, इनका खुद का पर्सनल इंग्रेडिएंट सारा डालते हैं लोग, और बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ओरिजिनल लेमन डालते तो उसको उसका रस निकालना और उसके पीछे प्रोसेस करना, उसको बहुत मेहनत का काम है, मगर इनका ब्रांड बन गया। सर, ये क्या नाम से आप मार्केट में सेल करते हो? द गोली सोडा। द गोली सोडा के नाम से ही होता है। हाँ, इनके मामा का भी यही बिल्कुल इनका ब्रांड बन गया यहाँ पर, ये आसपास के एरिया में यही चलते हैं, मतलब आसपास का एरिया बताऊँ आपको मैं, 100 किलोमीटर से ज्यादा होगा। जी हाँ, है ना, 100 किलोमीटर के आसपास आप पूरा सेल करते हो? ये अप्रोक्स इतना ही कि मैं अभी आ रहा हूँ तो वहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर तो आ गया हूँ बोटाद से, यहाँ पर 30 है ना, ये 30 किलोमीटर आ गया हूँ। वैसे सर, ये मशीन को ऑपरेट करना आसान है या मुश्किल है? सर, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं, नहीं है, कोई इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती या पढ़ाई करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ यहाँ पर ये कैसे सोडा फील हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर, ये खाली बोतल इन्होंने 4 रख दी एक बार में, ये एक ही 1 बटन, इसको एक मरतबा पुश किया ये सोडा आया, इसके बाद ये फिर से सोडा फील होगा। अब ये देखो कम्प्लीट होने के लिए तैयार है, बिल्कुल रेडी हो गया, ये बन गई सोडा, देखिए मुझे देखिए ये रेडी हो गया सोडा, ठीक है। अब इसकी स्ट्रांगनेस की मैं बात करूं आपके साथ, ये देखिए ऐसा क्वालिटी है, ठीक है, मगर ये अभी आपको ऐसा ना हो कि भाई कस्टमर को देंगे खाली हो जाएगा, आपको ऐसा लगता होगा, ऐसा नहीं है, थोड़ी देर साथ में जब रहेगा तो CO2 बराबर मिक्स हो जाएगा, और बाद में जब इसको ठंडा करके खोलेंगे तो पीने में स्ट्रांग लगेगा, बहुत ज़्यादा उभरा नहीं आएगा इसके अंदर, ऐसा ना हो कि भाई आधी बोतल ख़त्म हो जाएगी, लोग पियेंगे कैसे? ऐसा नहीं है, बिल्कुल लीजिए, मैं इसको टेस्ट भी करूं, मुझे दीजिए, मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है ये सोडा सर ने बनाया। ये बोतल जो है ना, ये रीयूज बोतल है, इसके अंदर यूज़ एंड थ्रो भी बोतल होती है ना, यूज़ एंड थ्रो भी होती है ना, आप अभी यूज़ एंड थ्रो का वर्क नहीं कर रहे हो अभी, मतलब उसको प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो यूज़ एंड थ्रो का? और थोड़े दिन के बाद प्लानिंग है उनका, प्लानिंग चल रहा है, अब थोड़े दिन में ये मतलब वो करने वाले और अहमदाबाद भी माल भेजेंगे, ये बात चालू थी, बिल्कुल मुझे उनके मामा ने भी बताया कि वो हमारा प्लानिंग है आगे। तो ये बहुत ही अच्छा टेस्टी फ्लेवर है, ये मशीन बहुत अच्छी और छोटी जगह के अंदर बहुत प्यारा सेटअप किया है इनके पास, जो कि बहुत बड़ी जगह है, मगर आप छोटी जगह भी इसको सेटअप कर सकते हो, सही है ना सर? अच्छा, आप मशीन ऑपरेट करते हो पूरा दिन, क्या नाम है आपका? विश्वजीत। विश्वजीत जी, जी बिल्कुल, आप करते हो ऑपरेट मशीन? यस। आसान है मशीन ऑपरेट करना? आसान है, आसान, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं नहीं। अच्छा, कोई छोटा मोटा फॉल्ट आता है सॉल्व हो जाता है? या। अच्छा, आपने इसके अंदर जो एक मरतबा सेटअप कर दिया, ये हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है, तो इसको बार बार सेटअप करना पड़ता है, एक ही बार में चल जाता है? एक ही बार में। अच्छा, एक बार किया हो गया, फिर रोज छेड़ने की जरूरत नहीं, आसानी से हो जाता है। अच्छा, ये यहाँ पर आप देखिए, इसका चिलिंग सिस्टम और पूरा कार्बोनेटिक सिस्टम है यहाँ पर हमारा रियल ग्रेस सोडा मशीन कंपनी का, और उसके साथ ये मशीन लगाई है सर ने, वहाँ पर 5 टन का चीलर भी लगाई है, 1000 LPH इन्होंने आरओ प्लांट भी लगाया है,
ठीक है सर, आप हमारी कंपनी से जुड़े उसको तकरीबन आप 3 महीने हो गए, हमारी कंपनी की सर्विस कैसी लगी आप? बहुत ही अच्छी है सर। रिस्पॉन्स कभी फ़ोन किया हो आपने, कुछ बात की हो या कभी कोई जरूरत पड़ी थी कि पड़ सकती है जरूरत, तो आपने कभी फ़ोन किया? आप भी मशीन ऑपरेट करते हो ना, तो कभी आपको दिक्कत आई हो छोटी मोटी, आपने भाई को कहा हो भाई ये मुझे प्रॉब्लम आ रही, तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? अच्छा रिस्पॉन्स है, कोई दिक्कत तो नहीं होती है कि भाई भाई ये बंद हो गई मशीन, अब फोन नहीं उठा रहे, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कभी अभी तक कुछ हुआ नहीं है ऐसा, अल्लाह ने कहा आगे होगा भी नहीं इंशाल्लाह, आपको जरूर हम अच्छी सर्विस देंगे क्योंकि आप तो हमसे बहुत पास हो। सबसे बड़ी बात, मुझे गुजराती बहुत अच्छे से आती है और ये मैं इनकी लैंग्वेज समझता हूँ, ये मेरी लैंग्वेज समझ लेते हैं तो आसानी होती है, दिक्कत नहीं होती है, मगर हम लोग तो उनसे भी सर्विस उनको भी अच्छी देते हैं जो हमें लैंग्वेज जिनकी नहीं आती है, ठीक है, तो हमने उसके लिए अलग लैंग्वेज इसके लिए हमने इंतजाम किया हुआ है, हमने उसके लिए एम्प्लॉय ऐसे रखे, इंजीनियर ऐसे रखे जो अलग लैंग्वेज में कस्टमर के साथ बात कर ले, जैसे कि तमिल है, तेलुगू है, कभी कभी कर्नाटक के लिए तो कन्नड़ में बात करनी पड़ती है, तो ये सारी लैंग्वेज के लिए हमारे पास एम्प्लॉय और इंजीनियर अवेलेबल है ताकि आपको आसानी हो सर्विस के लिए। सर ऑल ओवर ये बिजनेस आप करते हो तो प्रॉफिट वगैरह अच्छा है? हाँ बहुत ही अच्छा प्रॉफिट। दिक्कत वगैरह तो नहीं? नहीं ऐसी कोई। अच्छा, कोई एक छोटा आदमी इसको लेकर के अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहे कर सकता है? जरूर करना चाहिए उसको, उसको करना चाहिए। आप क्या सजेशन दोगे, मशीन कहाँ से लेनी चाहिए? मशीन आपके यहाँ से लेनी होगी, रियल वाले के यहाँ। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर। अभी तक बहुत आपको लंबा टाइम नहीं हुआ, फिर भी मैं आपसे पूछूंगा कि भाई अभी तक जो 3 महीने के अंदर आपका एक्सपीरियंस रहा उसमें हमारी कंपनी को आप सर्विस में 1 से 10 में कितने स्टार दोगे? 10 से 10 पूरे। क्या बात है, तो मैंने सिखाया होगा आपको? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, पक्का। देखो मेरे सवालों में गौर करें, मैंने डायरेक्ट क्या बोला, मैंने सिखाया होगा, मगर हकीकत ये मैंने सिखाया नहीं है और बिल्कुल मैं कस्टमर को कभी कोई बात नहीं सिखाता हूँ। सर मैंने वीडियो से पहले आपसे कोई प्रिपरेशन किया नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बात करेंगे नहीं, 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 नहीं। आप भी बहुत देर से हम लोग बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसा आपको लगा? नहीं, नहीं। तो ऐसी बात तो नहीं हुई है ना, बहुत अच्छे सर। वैसे मैं आपसे ये भी कर रहा हूँ कि भाई आप अगर ये बिजनेस करना चाहो करो, मगर उसके लिए मशीन अच्छी क्वालिटी की खरीदो ताकि आपको दिक्कत ना हो, और अच्छी क्वालिटी की मशीन रियल ब्रेस सोडा मशीन कंपनी दोस्तों बनाती है। आप भी जुड़िए रियल ब्रेस सोडा मशीन कंपनी से और अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कीजिए, अपना खुद का एक कंपनी स्टार्ट कीजिए, अपना खुद का एक ब्रांड बनाइए। जैसे लोग सर को जानते होंगे द गोली के नाम से, सही बोल रहा हूँ जी, है ना, आपके नाम के साथ साथ द गोली लगा होगा, कौन भाई साहब, तो बोले द गोली वाले, है ना। तो ये एक ब्रांड होती है, अपने आप में एक ब्रांड बनती है, ब्रांड भी एक पैसा है सर, ठीक है। अगर टी शर्ट हम कोई भी पहन रहे हैं उसमें खाली यहाँ पर एक ब्रांडेड लोगो आ जाए तो उसकी रीसेल बढ़ जाती है, तो एक कंपनी एक प्रॉफिट है वो, ठीक है। तो आप इसको अगर बिजनेस को कर रहे हो तो आपको कभी प्रॉफिट कम मिल रहा है मगर आपकी ब्रांड बन रही, तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी की मशीन लेनी चाहिए। तो आप भी जुड़िए दोस्तों रियल ब्रेस सोडा मशीन कंपनी के साथ और अच्छी क्वालिटी की मशीन खरीदिए, अच्छा खुद का अपना एक बिजनेस स्टार्ट कीजिए, अपना खुद का एक ब्रांड बनाए, अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कीजिए। मशीन खरीदने के लिए, मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए और घर बैठे फ्री सैंपल के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रियल ब्रेस, थैंक यू।